जब से हमारे पास भाषा है तभी से कुछ लोगों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है और इस संचार विनियमन के सबसे बड़े लक्ष्य जैसे ये छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें हम बातचीत के दौरान बोलते रहते हैं। प्राचीन यूनानी और लैटिन पुस्तकों में हिचकिचाहट के साथ बोलने से मना किया जाता था। आधुनिक विद्यालयों ने इस तरह के शब्दों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है और प्रख्यात भाषाविद नोम चॉम्स्की ने इन अभिव्यक्तियों को भाषा के लिए अप्रासंगिक एरर्स का नाम दिया है। ऐतिहासिक रूप से इन भाषण घटकों को असंगतता की व्यापक बाल्टी में शामिल किया गया था, भाषाई भराव जो उपयोगी भाषण से विचलित होते। हालांकि इस विवाद के बावजूद ये तथाकथित डिसइन्फ्लुएंसेस कम नहीं हुए। वे प्राकृतिक भाषण में लगभग 2 से 3 बार प्रति मिनट होते रहते हैं और उनके विभिन्न संस्करण सांकेतिक भाषा सहित लगभग हर भाषा में पाए जा सकते हैं। तो क्या और सिर्फ एक आदत है जिसे हम नहीं तोड़ सकते या जो सुनाई देता है उससे अधिक कुछ है? इसका उत्तर देने के लिए हमें भाषा के इन घटकों की तुलना रोजाना प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ करनी होगी। हालांकि लिखित शब्द की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, हम आमतौर पर संदर्भ के माध्यम से उसके आशय को निर्धारित कर सकते हैं। बोलते समय एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आवाज का लहजा, वक्ताओं के बीच संबंध और अपेक्षाएं कि वार्तालाप कहां जाएगा, ऐसे शब्दों में भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है जो फिलर जैसे लगते हैं। वहीं हम और अ प्रवेश करते हैं या ए और एम और टोटा और ओ, एटो और आनो। भाषाविद इन्हें भरे हुए विराम कहते हैं जो कि एक तरह की हिचकिचाहट प्रक्रिया है और ये मामूली सी दिखने वाली रुकावटें वास्तव में बातचीत को काफी सार्थक बनाती हैं। जैसे हालांकि एक साइलेंट पॉज को दूसरों के बोलना शुरू करने का संकेत समझा जा सकता है, एक भरा हुआ विराम संकेत दे सकता है कि आपकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हिचकिचाहट की प्रक्रिया आपके विचारों से तालमेल बिठाने का या किसी परिस्थिति के लिए सही शब्द का चुनाव करने का समय प्रदान कर सकती है और इससे केवल वक्ता को ही फायदा नहीं होता, एक भरा हुआ विराम श्रोताओं को भी सूचित करता है कि अगला शब्द महत्वपूर्ण है। भाषाविदों ने यह भी पाया है कि यदि कोई शब्द हिचकिचाहट के बाद आता है तो उसे याद रखने की अधिक संभावना होती है। हिचकिचाहट की प्रक्रिया ही संवादों के ऐसे अंश नहीं है जो बातचीत के दौरान नए अर्थ धारण करते हैं। लाइक, वेल और यू नो जैसे शब्द और वाक्यांश संवाद मार्करों के रूप में काम करते हैं और शाब्दिक अर्थ को नजरअंदाज करते हुए उस वाक्य की ओर इशारा करते हैं जिसमें वे दिखाई देते हैं। संवाद मार्कर वार्तालाप के प्रवाह को दिशा देते हैं और कुछ अध्ययनों के अनुसार धार्मिक वक्ता इन वाक्यांशों का अधिक उपयोग करके सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को सुना और समझा जा रहा है। उदाहरण के लिए लुक के साथ वाक्य शुरू करना आपके रवैये को सूचित करते हुए श्रोता की सहमति का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। आई मीन संकेत दे सकता है कि आप किसी विषय पर विस्तार से बताने वाले हैं और लाइक कई कार्य कर सकता है, जैसे विचारों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना या किसी और के शब्दों या कार्यों को प्रस्तुत करना। ये मार्कर आपकी विचार प्रक्रिया को समझने और आप जो कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं उसका अनुसरण, व्याख्या और पूर्वानुमान करने में लोगों की मदद करते हैं। संवाद मार्कर और हिचकिचाहट की प्रक्रिया केवल भाषा को समझने में उपयोगी नहीं है, वो उसे सीखने में भी हमारी मदद करते हैं। 2011 में एक अध्ययन में शिशुओं को एक वस्तु से संबंधित रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ सामान्य और असामान्य वस्तुएं दिखाई गईं। जब एक के बाद की रिकॉर्डिंग में शिशुओं से असामान्य वस्तुओं को पहचानने के लिए कहा गया तो उस निर्देश में भरे हुए पॉज के होने पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। इससे लगता है कि भरे हुए पॉज शिशुओं को नए शब्दों की अपेक्षा करने का संकेत देते और नई वस्तुओं से नए शब्दों को जोड़ने में उनकी मदद करते। कोई दूसरी भाषा सीखने वाले किशोरों और वयस्कों के लिए भरे हुए पॉज आरंभिक बातचीत में होने वाली कठिनाई को कम कर देते और जब वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो दूसरी भाषा सीखने वाला व्यक्ति उचित हिचकिचाहट प्रक्रिया का उपयोग करके अपनी नई वाक्पटुता का संकेत दे सकता है। क्योंकि लोकप्रिय मान्यता के विपरीत भरे गए विरामों का उपयोग भाषा की महारत के साथ कम नहीं होता, केवल इसलिए कि हिचकिचाहट की प्रक्रिया और संवाद मार्कर संचार का प्राकृतिक हिस्सा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे हमेशा उचित होते हैं। संवाद लेखन के अलावा अधिकांश औपचारिक लेखन में उनका कोई मतलब नहीं होता और कुछ संदर्भों में इन सामाजिक संकेतों में निहित कलंक वक्ता के विरुद्ध काम कर सकता है।
लेकिन ज्यादातर वार्तालापों में इन बेमतलब की ध्वनियों का बहुत सारा मतलब हो सकता है। मन के आंतरिक कार्यकलापों में दिलचस्पी है, शरीर के बाहरी कार्यकलापों के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की गतिविधियों के बारे में, मानवता के इतिहास के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये सब समझाएंगे एक बार में एक छोटे से वीडियो के साथ।